हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं अपना एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, उसकी एक्सरसाइज 10.1 का मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाली हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, प्लस एग्जाम्पल्स भी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालो, फॉर विच 5m डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। इस m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसको सॉल्व करके। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पर देखिए। पहले मैं वो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ। 5m डिवाइडेड बाई 5 की पावर था -3 और यहाँ पर था 5 की पावर 5। आपको पता है जब डिवाइड होता है और बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स माइनस हो जाती हैं, पर ये ऑलरेडी यहाँ माइनस में है तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। यहाँ आके ये 5 की पावर 5 ऐसी है, बेस सेम है, कट जाएंगे और पार्ट्स नीचे आ जाएंगी। m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्यूएट का मतलब होता है एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। जब तक वैल्यू फाइंड हो रही है ईजिली, उस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, 1/3 की पावर है -1 -1/4 की पावर है यहाँ पर -1 होल पावर है -1। फर्स्ट पार्ट ये आपके पास देखो, पावर नेगेटिव में है तो कभी भी वो सॉल्व नहीं होगा जब तक पावर पॉजिटिव नहीं हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 4 की पावर 1, इस पूरे पे होल पावर -1। 3 की पावर 1 3 है, 4 की पावर 1 4 है, तो -1 की पावर -1 हो गया। फिर अगेन ये नेगेटिव में, तो -1/1 कर दो और पावर को 1, तो आंसर आ जाएगा -1 ही, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा इसीलिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ देख, क्लियर हो गया? अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, वो भी आसान है। यहाँ पर देखते हैं, 5/8 की पावर है यहाँ पर -7 × 8/5 की पावर है यहाँ पर -4 है। अगेन इसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये 8/5 की पावर, मैंने इसको 7 लिख दिया। देखो मैंने ना इसको चेंज नहीं किया, इसको यही रहने दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो मुझे पता है पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा पाऊँगी, इसीलिए एक को चेंज कर दिया। आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते थे, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर माइनस ही होगी, तो 8/5 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 को भी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो और 5 को भी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ 512 आ जाएगा और यहाँ पर 125 आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 5 हो गया कंप्लीट आपका, क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट, एक रह गया क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स के साथ आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले के एग्जाम्पल्स चैनल पर अपलोड हैं, ट्राई दिस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्लास 8th का एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस चैप्टर के बाद आपको जो उनसे चैप्टर करना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको जल्द ही मिलने लगेगी। चैप्टर 7 की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पे, आप वो भी चैप्टर साथ साथ कर सकते हैं। थैंक यू।